नमस्कार दोस्तों, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आप लोगों के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। आप लोग कह दीजिए कि वेब एप्लीकेशन आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप लोग ऑनलाइन चूज कर सकते हैं अपने चैनल्स को और सारे चैनल्स की एक्चुअल प्राइस आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का DTH ऑपरेटर अभी तक अपडेट नहीं किया है, या फिर आप लोगों को लगता है कि DTH ऑपरेटर आप लोगों का ज़्यादा चार्ज कर रहा है चैनल्स के लिए, तो आप लोग यहाँ इस वेब एप्लीकेशन पे आकर के देख सकते हैं। सब कुछ सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है और आप लोग यहाँ से अपने चैनल डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे आप लोग का डिश टीवी हो, रिलायंस हो या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप लोग उसको ये सारी डिटेल दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हमें ये चैनल्स देखना है और यही प्लान हमें चाहिए। चलिए, काफ़ी आसान चीज़ें हैं, बस आप लोग देखते जाइए क्या क्या चीज़ें आप लोग के सामने आ रही हैं। और साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो भी मैं आप लोगों को इस चीज़ में दिखाऊंगा, सारी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग आकर के अपने फ़ोन में भी चेक कर सकते हैं और अगर आप लोग पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है तो उसमें भी चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों द इंडियन फीवर चैनल और मैं हूं रवि, आप सभी के फिर से हमारे और आपके द इंडियन फीवर चैनल स्वागत करता हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसी तरह की और वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, आने वाली हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहेंगी। तो चलिए, डायरेक्ट मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, यानी कि ट्राई का जो वेब एप्लीकेशन है, चैनल सेलेक्टर एप्लीकेशन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ट्राई का लोगो भी है, तो ये ऑफिशियल है। आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भैया कहीं फेक चीजें तो नहीं दिखा रहा हूं। और ट्राई ने जो भी नया नियम लागू किया है, ये बड़े से स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। आप लोग का ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं डायरेक्ट और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सब कुछ ऑप्शनल है, पर ऑप्शनल है तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए वो सारी चीजें कर देता हूं। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम डालेंगे, मैं अपना नाम रवि डाल दिया फॉर्मेलिटी के लिए। और यहाँ पे आप लोग अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और फिर आप लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू करना है, आप लोग अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। सारे ऑप्शनल है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे उसको सेलेक्ट करें ही, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों की सारी कैटेगरी भी, किसमें इंटरेस्ट है आप लोगों का, न्यूज में, म्यूजिक में, स्पोर्ट में, लाइफस्टाइल, मूवीज, इन्फोटमेंट, डिवोशनल और जो भी आप लोगों का हो, आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग का सारा ऑप्शनल है, SD भी सेलेक्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू करेंगे दोस्तों तो ये आप लोगों का मेन पोर्टल खुल करके आएगा, बाकी वो सारा कुछ आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने इसलिए दिखाया दोस्तों क्योंकि आप लोग मुझे यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ चीजें देखने को मिल सके। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, ये सारी चीजें समझना है और यही इम्पोर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग सेलेक्ट करके जो भी आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भेजेंगे, और थोड़ी बहुत चीजें और समझानी है जो कि आप लोग समझिए इस वीडियो को देख करके, ये सारे ट्यूटोरियल को देख करके। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग पे चैनल को समझिए, ये सारे जो भी आप लोगों को दिख रहे हैं मेनू बटन, मैं सब कुछ आप लोग को एक एक करके समझाऊंगा। तो पे चैनल पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यही वाला पेज आप लोग को डिफॉल्ट खुला हुआ दिख रहा है पे चैनल का। तो यहाँ पे आप लोगों को सारे तरीके के चैनल देखने को मिल रहे हैं। आप लोग जैसा कि लैंग्वेज में देख रहे हैं, भोजपुरी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, तो सब कुछ यहां पे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप लोग उर्दू वाले हटा देंगे तो उर्दू वाले चैनल हट जाएंगे इसमें से जितने भी आ रहे थे। यहां पे देख रहे हैं चैनल काउंट, यानी कि 189 चैनल अभी दिखा रहे हैं। अब हिंदी वाले को हटा दीजिए तो हिंदी वाले हट गए, तो 101 चैनल बचे हैं भोजपुरी और इंग्लिश के। अगर इंग्लिश वाले हटा देना चाहते हैं तो भोजपुरी वाला केवल एक ही बचा हुआ है, ठीक है, पे चैनल में। और भोजपुरी वाले को भी हटा देंगे तो भैया गायब भी हो जाएगा, दोबारा से वही सब कुछ आ जाएगा जो आप लोगों का इनका डिफॉल्ट पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने चीजें सेलेक्ट की हैं, जो चीजें आप लोग देखना चाहते हैं अपने मर्जी से, यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी, जो भी आप लोग जिस तरह की कैटेगरी देखना चाहते हैं। प्राइजेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, 5 रुपए से कम वाले, 10 रुपए से कम वाले, 20 रुपए से कम वाले, और सारे चैनल देखना चाहते हैं। ब्रॉडकास्टर से भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जी इंटरटेनमेंट का है तो जी के ही सारे चैनल्स आप लोगों के पास आएंगे और उनकी प्राइजेज आएंगी, कितने के प्राइज हैं, आप लोग यहां पे सेलेक्ट करेंगे और आप लोगों का कार्ट में ऐड हो जाएगा। अब यहां पे आप लोगों का लैंग्वेज, जैसा कि मैंने जो लैंग्वेज काटे थे, अब जो भी इंडिया में जिस भी इस तरह के लैंग्वेज हैं, सारे कुछ यहां पे उपलब्ध है, आप लोग सेलेक्ट कीजिए और यहां से आप लोग उसको देख सकते हैं बाई
HD और SD आप लोग ये अपना समझ लीजिएगा कौन सा चैनल आप लोगों को देखना है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फ्री टू एयर चैनल में। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कई सारी चीजें हैं आप लोगों को समझाना और बताना है, तो आप लोग कोई कंफ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों फ्री टू एयर चैनल की संख्या 534 है। अगर आप लोग 534 सारे देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल पे कर दीजिए, सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी मुझे पता है कोई भी पूरे नहीं देखना चाहता है, तो एक एक करके आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग देखना चाहते हैं न्यूज वाले या फिर नॉन न्यूज वाले तो आप लोग उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग न्यूज देखना पसंद नहीं करते हैं, तो न्यूज वाले से यहां से हटा देंगे तो सारे न्यूज वाले चैनल हट जाएंगे जो फ्री टू एयर्स के हैं, ठीक है। बाकी यहां पे आप लोग अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों चैनल बुकेट लिस्ट में आते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे आप लोगों को सस्ता भी मिल रहा है और कई सारे चैनल आप लोगों को अलग अलग बुकेट में मिलेंगे, तो आप लोग यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं यहां पे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे ये बुकेट में सेलेक्ट करता हूं, 24 रुपए का है, कोई इनांडू जो भी चैनल इसका नाम है, ये चैनल का है और यहाँ पे बुकेट टू इस चैनल के लिस्ट में है। तो आप लोग देख रहे हैं ईटीवी प्लस और ईटीवी प्लस का चैनल इसमें भी कहीं होगा, तो मेरे ख्याल से इसमें नहीं है दोस्तों। तो ईटीवी तेलंगाना और ईटीवी तेलंगाना आप लोग देख रहे हैं दोनों बुकेट में है, तो दोनों बुकेट मिलाकर के दोस्तों अगर चैनल्स देखेंगे तो 7 इसमें है 7 इसमें है। तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसको लेकर के कि क्या जो बुकेट वाले चैनल है अगर उनमें दूसरे बुकेट में भी वही चैनल हो तो क्या हमें उसके लिए भी प्राइस देनी पड़ेगी। जी नहीं दोस्तों, ये एप्लीकेशन काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, अगर आप लोगों का किसी बुकेट में वो चैनल होगा तो वो उस बुकेट से हट जाएगा। जैसे कि यहां पे देख रहे हैं 25 चैनल है, तो 25 और 7 हम लोग का हो जाता है 32, तो 32 चैनल यहां पे सेलेक्ट हो गए। अब 32 और 7 29 होना चाहिए, पर यहां पे जो भी इस बुकेट में कॉमन चैनल होंगे वो हट जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 37 यहां पे हो रहे हैं, यानी कि 39 नहीं हुए 37 हुए, यानी कि इन दोनों बुकेट में दो कॉमन चैनल थे जो कि दो किसी में से हट गए हैं। तो आप लोगों को यहां पे चिंता करने वाली बात नहीं है कि भैया हमें क्या करें अगर हमें वो बुकेट पसंद है तो, ठीक है। मुझे ये आप लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा था इसलिए मैं आप लोगों को ये समझा दिया। बाकी एक और चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, पहले आप लोग इन सभी चीजों को समझ लीजिए कि अगर आप लोग बुकेट में आते हैं तो ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेंगी। ब्रॉडकास्टर के रूप में भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं किसका आप लोग देखना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप लोग स्टार के बुकेट देखना चाहते हैं तो सारे स्टार के बुकेट जो भी यहां पे अवेलेबल होंगे सब कुछ यहां पे दिखेंगे, प्राइस के साथ दिखेंगे, ठीक है। तो मराठी वैल्यू जो भी जिस तरह की भी आप लोगों की, हिंदी वैल्यू, हिंदी में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये सारे बुकेट हिंदी के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो आप लोग यहां से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सब कुछ यहां पे आप लोगों का चला जाएगा जो भी व्यू सिलेक्शन वाले में है। अब यहां पे व्यू सिलेक्शन वाले में भी आ जाइए, थोड़ा मैं आप लोगों को इसको भी समझा देता हूं। यहां पे जितने भी चैनल आप लोगों ने सेलेक्ट करे होंगे, अब बुकेट में जितने चैनल होंगे सब कुछ यहां पे आप लोगों का, ये आप लोग जो 49 देख रहे हैं ये मेरे चैनल सिलेक्शन है, यानी कि मैंने 49 चैनल को सेलेक्ट किया है और प्राइस मेरी आ रही है 266 रुपए। अब व्यू सिलेक्शन पे जाइए, थोड़ा बड़ा बड़ा देख लीजिए और चीज समझ लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री चैनल कितने हैं, 25 हैं, जो कि वो डिफॉल्ट सेट है भैया कि मुझे उतने लेने ही पड़ेंगे और ना चाहते हुए मुझे वो देखना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ पे चैनल मैंने 24 सेलेक्ट किए हैं, तो दोनों मिलाकर के मेरे नंबर ऑफ चैनल्स जो हो गए हैं 49 हुए हैं, जो प्राइस और बुकेट की आई है 95 रुपीज आई है। और आप लोगों का ये जो है थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क कैपेसिटी फीस ये 130 रुपए है, ठीक है। ये केवल 100 चैनल की कैपेसिटी देता है 130 रुपए। अगर आप लोग एक चैनल भी ज्यादा लेंगे तो आप लोगों का ये 150 हो जाएगा, मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूं कैसे हो जाएगा। बाकी ये GST आप लोगों का 18% जोड़ लीजिएगा इतना में जो भी आप लोग लेकर के आए हैं, ठीक है। और दोस्तों थोड़ा इसको भी समझ लीजिए कि जो आप लोगों को प्लस प्लस के निशान है, तो यहां पे आप लोगों के जो पे चैनल एक एक चैनल सेलेक्ट किया होगा आप लोगों ने, यहां पे आप लोगों को दिखेगा मैंने कोई सेलेक्ट नहीं किया इसलिए आप लोगों को यहां पे नहीं दिख रहा है। बुकेट चैनल मैंने सेलेक्ट किए हुए, तो यहां पे देखिए बुकेट चैनल आप लोगों को देख रहे हैं। अगर आप लोग कोई बुकेट चैनल नहीं पसंद आता है तो आप लोग यहां पे ड्रॉप बुकेट कर देंगे, वो चैनल वहां से हट जाएगा, वो बुकेट वहां से हट जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं अब बुकेट की संख्या मेरे में 3 की जगह 2 ही रह गई है, ठीक है। अब फ्री चैनल वाला थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, ये फ्री चैनल में जैसा कि मैंने कोई सेलेक्ट नहीं किया है तो यहां पे मुझे फ्री चैनल वाले में कोई नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहां पे मैंडेटरी चैनल है जो फ्री वाले चैनल है, DD वाले ये सब देख रहे हैं, लगभग 25 चैनल है, तो सारी लिस्ट दिखा रही है और ये मैंडेटरी है, आप लोग इसको हटा नहीं सकते हैं।
मेरे ख्याल से दोस्तों अभी तक जो भी चीजें मैंने आप लोग को समझाई है वो आप लोग समझ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहता हूँ ये नेटवर्क कैपेसिटी फीस की, क्योंकि ये कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे जो भी मैंने पिछली वीडियोज अपलोड करी है इसके रिगार्डिंग। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी तक 42 चैनल सेलेक्ट किए हैं और मैंने आप लोग कहा था कि 130 रुपए में 100 कैपेसिटी मिलेगी, यानी कि 100 चैनल सेलेक्ट करने की कैपेसिटी मिलेगी जिसमें एसडी वाले एक होंगे और एचडी होंगे तो वो दो चैनल की कैपेसिटी आप लोगों की लेंगे। तो यहां पे मैं आप लोगों को 100 चैनल सेलेक्ट करके दिखाता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने 110 चैनल सेलेक्ट कर लिए हैं जिसकी प्राइस आ रही है 494 रुपए। अब मैं आप लोगों को व्यू सिलेक्शन में लेकर के चलता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नेटवर्क कैपेसिटी फी 150 रुपए हो गई है 130 रुपए से बढ़ करके, यानी कि 20 रुपए बढ़ गई है। अब मैं 100 से जैसे ही ऊपर जाता हूं ट्राई चार्जेस लगाना स्टार्ट कर देता है अगले 20 चैनल के लिए 20 रुपए। अब यहां पे आप लोग जैसे ही एक पार करेंगे, जैसे कि अब आप लोग 120 चैनल सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को 150 ही पे करने पड़ेंगे। अब यहां पे 120 से जैसे ही आप लोग एक आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों का फिर 20 रुपए बढ़ जाएगा, यानी कि ये 170 रुपए हो जाएगा 140 चैनल के स्पेस के लिए। तो इसी तरह से आप लोगों की अलग अलग चैनल्स की प्राइजेस बढ़ती जाएंगी अगर आप लोग ज्यादा चैनल सेलेक्ट करते हैं 100 में से ही, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों कि ये सारी चीजें जो आप लोगों ने सेलेक्ट करी हैं वो चीजें आप लोग कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर को देने के लिए आप लोगों को यहां पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डाउनलोड हो गया, और दूसरा यहां पे आप लोग इसे प्रिंट करके निकाल सकते हैं। यहां पे जैसा कि देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेज का मेरा पूरा चैनल है, इतने चैनल्स को मैंने सेलेक्ट किया है, कौन सा बुकेट है क्या बुकेट है सब कुछ आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेगा। तो अगर कहीं आप लोग बाहर जाकर के कराएंगे तो आप लोगों को वहीं से इस तरह का चैनल सेलेक्ट करके दे देगा अगर उसके पास कोई प्रिंट आउट होगा। बाकी अगर आप लोग खुद से करना चाहते हैं तो यहां पे आप लोग सेव कर देंगे, आप लोगों का जहां भी सेव होना होगा सेव हो जाएगा। तो ये तो हो गई दोस्तों सारी बातें, जो जो ऑप्शन थे मैंने आप लोग को सब कुछ समझा दिया। अब यहाँ पे अब लास्ट ऑप्शन बचा है ऑप्टिमाइज का, ये सब कुछ सिलेक्शन के बाद है। ये ऑप्टिमाइज का ऑप्शन दिया क्यों गया है थोड़ा इसको समझ लीजिए। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम एक चैनल को दो बार सेलेक्ट करते हैं एसडी एचडी दोनों में, तो ऑप्टिमाइज में क्या करेगा कुछ चैनल्स को कम कर देगा अगर इस तरह की कोई दिक्कत होगी तो। ऑप्टिमाइज करेंगे तो आप लोग की प्राइस में भी हेल्प हो सकती है, तो एक बार आप लोग ऑप्टिमाइज जरूर कर लें। तो यहां पे आप लोगों का सब कुछ ऑप्टिमाइजेशन के बाद आ जाएगा। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं दिस एप्लीकेशन इज इंडिकेट एंड टेल्स यू द प्राइस फॉर योर सिलेक्टेड चैनल्स टू ऑप्शन फॉर योर चॉइस ऑफ चैनल प्लीज कॉन्टेक्ट योर टीवी सर्विस प्रोवाइडर केबल या फिर डीटीएच ऑपरेटर, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं 85, 88 हो गए हैं, नंबर ऑफ चैनल लिस्ट 113 हो गए हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा इनकी प्राइजेस भी आप लोगों को कम देखने को मिल रही है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं टोटल प्राइस आप लोगों को 494 रुपए दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टोटल प्राइस मंथली आप लोगों को 452 रुपए ही देखने को मिल रहा है। अब ये ऑप्टिमाइज करने का क्या फायदा हुआ आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पे इन्होंने बेस्ट चैनल लिस्ट निकाल करके लाए हैं और बेस्ट चैनल लेकर के आए हैं जिस भी तरह से आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग जो भी इस चैनल में सेलेक्ट है अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सब कुछ देख सकते हैं। चैनल मैंने कोई एक पर्टिकुलर नहीं सेलेक्ट किया था, बुकेट ही सेलेक्ट किया था, तो उसी में इन्होंने अलग अलग चैनल्स को अलग अलग बुकेट को सेलेक्ट करके कम प्राइस में हम लोगों के सामने लेकर के आई है। तो देखिए दोस्तों ये काफी अच्छा बेनिफिशियल चीज है और इतनी ज्यादा हेल्प आप लोगों की ट्राई कर रहा है ये सब कुछ नए नियम लगाने के बाद, तो काफी अच्छी बात है। बाकी आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप लोगों को ट्राई का ये वेब एप्लीकेशन अच्छा लगा, क्या आप लोगों ने अभी तक इसको यूज किया है कि नहीं। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन या फिर प्रश्न सलाह मशवरा जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे कैसे चैनल सेलेक्ट करना है, क्या चीजें करना है, कैसे डाउनलोड करना है। और अगर आप लोगों का इतना जो भी मैंने बताया है इसमें कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करके अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। वीडियो ने आप लोगों की किसी तरह से हेल्प करी हो लाइक करना ना भूलें, दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और हो सकता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर जो उनका हो उनसे ज्यादा चार्ज कर रहा हो, वो ट्राई के इस वेब पोर्टल से इस वेब एप्लीकेशन से वो सही तरीके से सही प्राइस निकाल सके और अपने लिए सही चैनल्स चूज कर सके सही प्राइस पे। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहेंगी। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।